बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल मालिक है और मैं बतौर प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजी लियाकत कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री कराची में खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। आज का जो ये पैगाम है, ये 30 मार्च को पूरी दुनिया में मनाए जाने वाले आलमी यौम डॉक्टर यानी वर्ल्ड डॉक्टर डे के हवाले से दिया जा रहा है। डॉक्टर यानी मसीहा, ये एक ऐसा शोबा है जिसके नतीजे में एक आम इंसान खैर व बरकत भी कर सकता है और बहैसियत मुसलमान हम सब के लिए ये आकबत की भी खैर का बायस बन सकता है। अगर एक डॉक्टर अपने आप को जवाबदेही के एहसास के साथ अवामुन्नास की खिदमत पर मामूर करे तो उसकी रिस्क की भी कमी पूरी होती है और उसके तमाम मामलात भी दुरुस्त होते हैं। वैसे तो डॉक्टर मरीज़ आपके सामने आके अपनी पूरी अर्ज़ रख देता है, जिसके नतीजे में डॉक्टर को ही अच्छे या बुरे के मुताबिक फ़ैसला करना होता है। लिहाजा एक अच्छे तबीब के तौर पर, एक अच्छे मौलिज के तौर पर हमें हर वक्त अल्लाह के आगे जवाबदेही का एहसास रखना चाहिए और ठीक तशखीसी टेस्ट और ठीक अद्वियात के इस्तेमाल की तजवीज़ देनी चाहिए। गैर ज़रूरी अद्वियात का इस्तेमाल, गैर ज़रूरी टेस्ट की तजवीज़ करना, ये किसी भी लिहाज से दानिशमंदाना और एक अक्लमंदाना फ़ैसला नहीं है। तो बहैसियत डॉक्टर आज के दिन के एतबार से, जबकि हमारे कौमी मसाइल में सबसे बड़ा मसला माशी मसला है, हमें इस बात का एहसास रखना चाहिए कि हम अपने मरीज़ के जो ज़रूरियात हैं, जो उसकी तशखीस उसके इलाज में जो ज़रूरी अमर है उसको सामने रखें, ना कि ऐसे चीज़ें कर लें जिसके नतीजे में मरीज़ पर और उसके जेब पर गैर ज़रूरी बोझ हो। तो उम्मीद है कि हम बहैसियत मसीहा, कौम के मसीहा के तौर पर एक सेहतमंद माशरे की बुनियाद रखने के बाइस बनेंगे।